नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उज्जैन के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली सैकड़ों महिलाएं रोती हुई बिलखती हुई बैठी हैं जमीन पर और रो रो कर बताने लगी अपनी समस्या। इन सैकड़ों महिलाओं का घर परिवार गुजर रहा है तंगहाली भुखमरी के दौर से। रोती हुई परेशानी बताती हुई महिलाओं ने कहा है कि शासकीय काम जो बताए जाते हैं वह करते हैं नियम निर्देश के अनुसार और पूरा समय वक्त देते हैं शासकीय काम करने के दौरान। शासकीय स्कूल और तमाम ग्राम पंचायत क्षेत्रों में तमाम शासकीय ऑफिसों पर आने जाने के दौरान पर इस समय हम गुजर रहे हैं भुखमरी और तंगहाली के दौर से। जमीन पर बैठकर रोती हुई आंखों से सैकड़ों महिलाओं ने समस्या परेशानी बताने के लिए पहुंची दक्षिण विधानसभा के विधायक, उच्च शिक्षा मंत्री सहित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को, पर ना तो सुनी परेशानी इन महिलाओं की जनप्रतिनिधियों ने और ना सुनी परेशानी प्रशासनिक अधिकारियों ने। सब दिक्कत आ रही है, हम लोगों को आ रही है, हम मध्यान भोजन बनाते हैं और केवल हमें 2000 का महीने ही मिलते हैं राशन पैसे। तो 2000 में हम घर का कैसे चला सकते हैं, घर कैसे चला सकते हैं, मध्यान भोजन बनाते हैं हम लोग। तो हमारी मांगे 10000 का महीने ही है। मुख्यमंत्री जी से हमारी निवेदन है कि हमारी मांगे पूरी करें। हम भोजन बनाती है, क्या दिक्कत आ रही है? हमारा तो घर बार घर में हमारा ब्लाक नहीं है, ब्लाक भी चाहिए, हमारे मर पैसे भी नहीं। अच्छा, तो पैसा छोटी उम्र का बीमारी का, ये 40 साल की उम्र। हाँ, पर पैसा कम मिल रहा है? क्या पैसा नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। इन्होंने 600 रुपए मांगे।